हाय फ्रेंड्स, मैं अर्चना। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ हेल्थ बेनिफिट ऑफ ईटिंग बनाना, मतलब केले के खाने से होने वाले फ़ायदे। जैसा कि आप सभी को पता है कि बनाना खाना हेल्थ के लिए बहुत बेनिफिशियल होता है। इसको खाने से आपका स्टेमिना बढ़ता है, एनर्जी लेवल बढ़ती है और काफ़ी बेनिफिट है। तो केले खाने से हमारी सेहत पर अच्छा असर पड़ता है, ये तो हम सभी को पता है। लेकिन इसको कब खाना चाहिए, कितनी क्वांटिटी में खाना चाहिए, खाने का सही समय क्या है और किन किन लोगों को नहीं खाना चाहिए, अब ये सब जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दूंगी, जिससे आपकी रूटीन लाइफ में आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी चीज़ें समझने में। अब सबसे पहले हम जानते हैं कि विटामिन में बनाना में क्या गुण होता है। बनाना में पोटेशियम होता है, आयरन होता है, विटामिन होती है, प्रोटीन मिलता है उससे, है ना। तो इससे कई फायदे होते हैं। जैसे बनाना में आयरन होता है, आयरन होने से क्या होता है, हमारा बॉडी में हीमोग्लोबिन का लेवल बढ़ता है, इससे एनीमिया की परेशानी से भी निजात मिलती है। साथ ही अगर आप हार्ट पेशेंट हैं, स्ट्रोक वगैरह से रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो आप बनाना को रेगुलरली यूज़ कीजिए, इससे स्ट्रोक और हार्ट अटैक की परेशानियाँ कम होती हैं। और जिन लोगों को बीपी ब्लड प्रेशर से रिलेटेड प्रॉब्लम है, ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करता है। साथ ही बनाना में विटामिन B6 होने के कारण ये ब्रेन के डेवलपमेंट में भी काफ़ी बेनिफिशियल है, इसलिए अपने बच्चों को रेगुलरली डेली बेसिस पे एटलीस्ट एक बनाना ज़रूर खिलाएं। साथ ही इससे अगर आपको एसिडिटी या अल्सर या स्टमक रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, तो आपको बनाना खाने से इससे निजात मिल सकती है, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम भी ठीक होता है। अब इसके अलावा मैं बताना चाहूँगी कि अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं या वेट गेन करना चाहते हैं, तो इन दोनों ही चीज़ों के लिए बनाना काफ़ी हेल्पफुल होता है। अगर आप वेट गेन करना चाहते हैं, तो इस केस में आप रेगुलरली डेली बेसिस पे 2 से 3 बनाना खाइए, इसे दूध में ऐड करके खाइए, और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, हल्का सा पका हुआ जो काला कलर का दागे जाने वाला बनाना होता है, उसे खाइए। इससे आपको वेट गेन करने में काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। दूसरी तरफ अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं, तो बनाना को डेली आपके ब्रेकफास्ट में खाने की आदत डालें। ब्रेकफास्ट में बनाना खाने से क्या होगा, आपको पूरे दिन भर के लिए एनर्जी मिलेगी, आपका स्टेमिना स्टेबल रहेगा और आपको दिन भर में बार बार भूख ना नहीं लगेगी। आप ज़्यादा खाएंगे नहीं तो आपका वेट ऑटोमेटिकली कंट्रोल में रहेगा। इसके अलावा अगर अभी ये मैंने आपको बताया कि वेट कब खाना चाहिए, किनको खाना चाहिए, साथ ही इसको नॉर्मली डायबिटिक पेशेंट्स भी खा सकते हैं, लेकिन डॉक्टर की सलाह से, और इतनी जितनी क्वांटिटी आपके डॉक्टर सजेस्ट करें सिर्फ उतनी ही खाइए। अब मेन केला कब खाना चाहिए और कितना खाना चाहिए, तो अगर सबसे ज़्यादा बेनिफिट बनाना खाने का होता है, अगर आप कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करने जा रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आप एक्सरसाइज करते हैं या जिम जाते हैं, तो बिफोर एक्सरसाइज एंड आफ्टर एक्सरसाइज इसको खाइए, तो इसको इसका हेल्थ बेनिफिट आपको ज़्यादा मिलेगा। बस इसके बाद कितनी क्वांटिटी में खाना चाहिए, मिनिमम 2 से 3 बनाना इन अ डे और मैक्सिमम 5 to 6, इससे ज़्यादा बनाना ना खाएं। साथ ही खाली पेट भी बनाना नहीं खाना चाहिए, ओके। आप रही बात, मैंने आपको बेनिफिट्स के बारे में बता दिया, कब खाना चाहिए, कितनी क्वांटिटी में खाना चाहिए, किन्हें खाना चाहिए, इसके अलावा अब मैं इसके नुकसान के बारे में बताना चाह रही हूँ। वैसे तो बनाना खाने का कोई भी नुकसान नहीं होता है, लेकिन कोई भी चीज़ अगर हम ज़रूरत से ज़्यादा खाते हैं, तो इसके डिसएडवांटेजेस होने शुरू हो जाते हैं। लाइक अगर हम ज़रूरत से ज़्यादा बनाना खाएंगे, खाली पेट खाएंगे, तो हमारा डाइजेशन सिस्टम भी ख़राब हो सकता है, हमें गैस रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, इसके अलावा शुगर बढ़ सकता है हमारा, क्योंकि बनाना में शुगर भी होता है, डायबिटीज हो सकते हैं हम, साथ ही इससे सर दर्द की भी प्रॉब्लम शुरू हो सकती है। तो बनाना हमेशा कंट्रोल में ही खाएं, बहुत ज़्यादा भी ना खाएं, 5-6 बनाना से ज़्यादा एक दिन में ना खाएं। और नॉर्मली एक इम्पॉर्टेंट जानकारी जो मैं आपको देना चाहूँगी कि ना सिर्फ बनाना ट्री का हर एक पार्ट बहुत ही बेनिफिशियल होता है, उसको खाने से बहुत ही अच्छे हेल्थ इफ़ेक्ट्स पड़ते हैं। बनाना का स्टेम हो या बनाना ट्री की लीव्स हो या बनाना आने के पहले जो फूल लगता है रेड कलर का वो हो, इन हर चीज़ की वेजिटेबल बनती है, सब्जी बनती है, उसके बनाना ट्री के हर एक पार्ट को एब्जॉर्ब किया जाता है, तो पूरा ही जो ट्री है वो काफ़ी बेनिफिशियल होता है हेल्थ के लिए। तो डेली बनाना खाएं, सही क्वांटिटी और लिमिट में खाएं,
आपने सुना होगा कि एन एप्पल इन अ डे कीप्स अ डॉक्टर अवे, मतलब एक आप एप्पल खाने से आप डॉक्टर से दूर रहेंगे, ये बिल्कुल सही है। साथ ही एक बनाना अगर आप रेगुलरली खाते हैं तो भी आपको डॉक्टर से दूर रखेगा। तो डॉक्टर फ्रेंड्स, अगर आपको मेरे इस वीडियो में दी गई हुई इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो, मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको रूटीन लाइफ में हेल्प कर रही हो, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं हूँ आपकी दोस्त हर्षना मांडवी। थैंक यू सो मच, बाय।